हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बुक्स एंड देयर राइटर्स। यानी इस सेशन में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखेंगे और उसके राइटर्स का नाम जानेंगे। तो इस सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी 30 बुक्स के राइटर का नाम आपको पता चलेगा। और सेशन के एंड में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके राइटर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर कृतियों के नाम है यानी कि बुक्स के नाम है, और इधर उसके राइटर हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सुमेलित नहीं है, मैच्ड नहीं है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुमायूं नामा के राइटर हुमायूं नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, तो इसके राइटर आप लोगों को पता ही होंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि जेएल नेहरू ने, जो हमारे पूर्व पीएम भी हैं। इन्होंने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास पिंजर किसने लिखी है। पिंजर जो है उपन्यास का नाम है, तो इसके राइटर का नाम बताना है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं अमृता प्रीतम। ये काफ़ी पॉपुलर राइटर है। अमृता प्रीतम ने लिखा है उपन्यास जिसका नाम है पिंजर। अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म बनाई गई, उसके लेखक कौन है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछा जा चुका है कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा जो मूवी बनी है वो किस बुक के आधार पर बनी है। तो बुक का नाम क्या है, अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा, इस बुक के आधार पर बनी है द मेकिंग ऑफ द महात्मा मूवी। तो इससे ये जो बुक है उसके राइटर का नाम बताना है। इस बुक के राइटर हैं शोभा डे। शोभा डे ने अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की है। चार ऑप्शन है, चार बुक के नाम दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी बुक है जिसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी। तो उस बुक का नाम है द विलेज। द विलेज की रचना की थी मुल्क राज आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएटिविटी एट वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है क्रिएटिविटी एट वर्क, इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक हैं एस रामचंद्र। एस रामचंद्र ने लिखी है क्रिएटिविटी एट वर्क। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके लेखक का नाम बताना है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आप लोगों को पता ही होगा कौन है। इन्होंने लिखी है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी जो है एक महान ऐतिहासिक कृति है, यह किसके द्वारा लिखी गई थी उनका नाम बताना है, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। तो उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। जफरनामा को लिखा था फारसी में किस सिख गुरु ने, तो गुरु का नाम बताना है। तो उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी कृति। ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम आप लोगों को पता ही होगा कि ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन की बुक है मधुशाला, इसमें उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। इसका तो आंसर आप लोगों को पता होगा कि पंचतंत्र काफ़ी पॉपुलर सी बुक है, तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और काफ़ी पॉपुलर बुक है पैराडाइज लॉस्ट, इसके राइटर कौन है उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है मिल्टन। मिल्टन ने लिखी है पैराडाइज लॉस्ट। और टू ए नाइटिंगल के रचयिता कौन है।
ऑड टू ए नाइटिंगल ये बुक का नाम है, इसके रचयिता कौन है यानी लेखक कौन है उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है जॉन किट्स, जॉन किट्स ने लिखी है ऑड टू ए नाइटिंगल। द कोरल आइसलैंड नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, द कोरल आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर होगा जूल्स वर्ने, जूल्स वर्ने ने लिखी है द कोरल आइलैंड। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, इनमें से बताना है कि कौन है जिन्होंने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी है, तो उनका नाम है किरण देसाई, किरण देसाई ने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। लेट्स मूव अहेड, गोस्वामी तुलसीदास निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की, चार ऑप्शन है बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना की है गोस्वामी तुलसीदास ने, तो इसका आंसर तो काफ़ी ईजी है, इसका आंसर होगा रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास ने। तमिल रामायण किनकी कृति है, उनका नाम बताना है जिन्होंने तमिल रामायण लिखी है, तो उनका नाम है कम्बन, कम्बन की कृति है तमिल रामायण। इंडियन समर्स पुस्तक के लेखक कौन है, किन्होंने लिखा है इंडियन समर्स, इंडियन समर्स जो पुस्तक है उसके राइटर का नाम है जॉन राइट, जॉन राइट ने लिखी है इंडियन समर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के इतिहासकार कौन है, यह बुक का नाम है जो कि एक कविता संग्रह है, तो इसके साहित्यकार कौन है, किन्होंने यह बुक लिखी है उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी ने लिखी है हवा में हस्ताक्षर जो कि एक कविता संग्रह है। स्वामी एंड फ्रेंड के लेखक कौन है, बुक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड, इसके लेखक कौन है उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है डॉक्टर आर के नारायण, आर के नारायण ने लिखी है स्वामी एंड फ्रेंड बुक। एज यू लाइक इट पुस्तक किसने लिखी है, एज यू लाइक इट पुस्तक का नाम है, तो यह बुक किसने लिखी है उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है शेक्सपियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेक्सपियर ने लिखी है एज यू लाइक इट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज पेरिस बर्निंग पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक का नाम पूछा गया है कि इसके राइटर कौन है, तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है लेपियरे एंड कोलिंस, लेपियरे एंड कोलिंस ने लिखी है इज पेरिस बर्निंग नामक पुस्तक को। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है उसके राइटर कौन है उनका नाम पूछा गया है, तो उनका नाम है रसेल कॉर्सन, रसेल कॉर्सन ने लिखी है साइलेंट स्प्रिंग। लेट्स मूव अहेड, प्रसिद्ध पुस्तक जो है डिजिटल इकोनॉमी के राइटर कौन है, बहुत पॉपुलर सी बुक है डिजिटल इकोनॉमी, तो उसके राइटर कौन है उनका नाम बताना है, डिजिटल इकोनॉमी बुक के राइटर कौन है, तो उनका नाम है डोनाल्ड टैपकास्ट, डोनाल्ड टैपकास्ट जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के लेखक हैं, या काफ़ी पॉपुलर बुक है। चर्चित पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, तो इसके राइटर कौन है उनका नाम बताना है, तो ये जो बुक है वो लिखी है जसवंत सिंह ने, जसवंत सिंह ने लिखी है जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। द सेंस ऑफ एन एंडिंग नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है, ये बुक का नाम है द सेंस ऑफ एन एंडिंग, इसके राइटर का नाम बताना है, द सेंस ऑफ एन एंडिंग जो बुक है उसके राइटर हैं
जूलियन बर्न्स ने लिखी है द सेंस ऑफ एन एंडिंग। पद्मावत के रचयिता कौन थे? इसके इस बुक के आधार पर मूवी भी बनी थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस बुक के रचयिता कौन है, राइटर कौन है, उनका नाम बताना है। तो पद्मावत के जो राइटर हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत बुक, जिसके बेस पे मूवी भी बनी थी। उपन्यास है गोरा, इसके राइटर का नाम बताना है। गोरा एक उपन्यास है, नोवेल है, इसके राइटर कौन है उनका नाम बताना है। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है गोरा नामक उपन्यास। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसके राइटर का नाम बताना है। विंग्स ऑफ फायर बुक के राइटर का नाम बताना है। तो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसके राइटर का नाम है APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी पॉपुलर बुक है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि विंग्स ऑफ फायर जो है उसके राइटर कौन है, APJ अब्दुल कलाम। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड, सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड यह जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं फातिमा भुट्टो ने लिखा है द सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड। अब मैं और कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके राइटर्स के नाम बता देती हूँ। मिशन इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ यह बुक का नाम है। यह जो बुक है यह लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड YS राजन, इन दोनों ने मिलकर लिखा है ये मिशन इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी यह बुक का नाम है। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी तो ये बुक लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कौन, सृजन पाल सिंह। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह दोनों ने मिलकर लिखी है एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। और देखते हैं इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और YS राजन, इन दोनों ने लिखी है यह बुक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। अगले बुक का नाम है इन विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, तो इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड शिवतनु पिल्लई, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड शिवतनु पिल्लई इन्होंने लिखी है ये बुक अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज अ सिक्वल टू इंडिया 2020 ये बुक इन्होंने लिखी है। अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज अ सिक्वल टू इंडिया 2020 ये लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड विपुल राज ने, डॉक्टर कलाम एंड विपुल राज। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी ये हम लोगों ने आई थिंक पढ़ लिया है कि इसके राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह, ठीक है। ट्रांसडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामी जी, ट्रांसडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामी जी इसके राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी। नेक्स्ट जो बुक है वो है माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन 2013 द लुमिनस स्पार्क्स मिशन इंडिया इंस्पायरिंग थॉट्स टर्निंग पॉइंट्स जर्नी थ्रू चैलेंजेज और लखनऊ बॉयज अ मेमोरियल, ये जो सारे बुक्स हैं सारे बुक्स लिखे हैं विनोद मेहता ने। अनप्लग्ड एडिटर मीडिया मैग्नेट्स नेताजी एंड मी ये बुक का नाम है। अनप्लग्ड एडिटर मीडिया मैग्नेट्स नेताजी एंड मी तो ये भी बुक लिखी है विनोद मेहता ने। मीना कुमार बुक का नाम है ये भी लिखी है विनोद मेहता ने।
द संजय स्टोरी फ्रॉम आनंद भवन टू अमेठी, ये भी बुक जो है वो लिखी है विनोद मेहता ने, मतलब ये तीनों बुक लिखी है विनोद मेहता ने, और ऊपर और मैंने पांच बुक का नाम बताया जो इन्होंने लिखी है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स और उसके ऑथर थे, उसको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह से सेशन है हमारा वो एंड होता है। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।